दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत आखिर कैसे हुई। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस एक्सचेंज की शुरुआत की कहानी कुछ अजीब सी है। साल 1950 के आसपास अपने कारोबार के सिलसिले में मुंबई के एक टाउन हॉल के सामने एक बरगद पेड़ के नीचे इस एक्सचेंज को 4 गुजराती और एक पारसी ने मिलकर चालू किया था, जो बाद में भारत के आर्थिक विकास में मजबूत स्तंभ साबित हुआ। ये लोग अक्सर इस पेड़ के नीचे मिला करते थे और शेयर का आदान प्रदान किया करते थे। लगभग 146 साल पहले 9 जुलाई 1875 को इन लोगों ने अपनी एक संस्था बना लिया था, जिसका नाम द नेटिव एंड स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन रखा गया। कुछ दशक बाद ब्रोकरों ने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। इस बार ये मीडोज स्ट्रीट के जंक्शन पर बरगद के पेड़ के नीचे काम करने लगे, जिसे अब महात्मा गांधी रोड के नाम से जाना जाता है। जिस बरगद के पेड़ के नीचे इसकी शुरुआत हुई थी, उस जगह में हॉर्निमोन सर्कल गार्डन खुल गया है। जब इन ब्रोकरों की संख्या बढ़ी तो उसी तरह इन्वेस्टरों की भी संख्या बढ़ती गई। फिर ये लोग नई जगह की तलाश करने लगे। अंततः इन्होंने एक नई जगह की तलाश की, जो बाद में दलाल स्ट्रीट के नाम से जाना गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत और एशिया का पहला सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जिसे स्थायी रूप से सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक्ट 1956 के तहत मान्यता प्राप्त है। भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसके एक्सचेंज को ISO 9001:2000 प्रमाण पत्र हासिल है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में अपना श्रेष्ठ स्थान दिलाने में BSE ने एक अहम भूमिका निभाई है। लाल स्ट्रीट पर ही BSE टावर की स्थापना की गई, जो 129 मंजिला की एक इमारत है, जिसकी ऊंचाई 118 मीटर की है। इस बिल्डिंग के बनने का काम 1970 में शुरू हुआ और 1980 में यह बनकर तैयार हो गया। इस बिल्डिंग को बनाने का काम आर्किटेक्चर चंद्रकांत पटेल ने किया था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।